हम आज एक 3S फिनोमेना को डिस्कस करेंगे। 3S फिनोमेना को पता है क्या होता है ताहिरा? नहीं, मैंने तो ये व्हाट इज टर्म पहली दफा 3S सुनी है। फिनोमेना? नहीं, मैंने ये टर्म पहली दफा सुनी है। वैसे थ्री एस ओके, तो फिनोमेना क्या ये होता थ्री है? एस फिनोमेना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसको हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हमारी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी, और हम अपनी लाइफ की मुख्तलिफ जो मुश्किलात में एवी आ जाते हैं उसमें भी हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो जो 3S फिनोमेना में सबसे पहला एस है, उस एस का नाम है साइलेंट। खामोश रहें। जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप खामोश रहें। जब आप कोई गुस्से का माहौल है, पार्टनरशिप में आप लोग हैं एक दूसरे के साथ, एक बंदे को गुस्सा है तो दूसरा बंदा खामोश रहे, और अगर घर के कोई ऐसे मामलात हैं, कोई बड़े हैं, कोई बोल रहे हैं, खामोश रहें। तो खामोश रहने से हालात जल्द से जल्द बेहतर हो जाएंगे, अगले का गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप किसी रिलैक्स माहौल में जाकर, जब एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली माहौल हो, उसमें बैठकर आप वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला एस स्टैंड फॉर साइलेंट। दूसरा एस स्टैंड फॉर स्माइल। स्माइल, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो एक चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखें। खवातीन खवातीन से बात करते हुए, ये उन खवातीन के लिए नहीं है जो मर्दों से बात करते हुए भी चेहरे पे मुस्कुराहट रखें और हंसियाँ बखेरें, उसका कोई एक गलत इंटेंशन भी जा सकती है। नॉर्मली आप बात करते हुए, मर्द मर्द हजरात से और खवातीन खवातीन से बात करते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। और तीसरा एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लो डाउन। स्लो डाउन हो जाएं। जो हम बहुत ही अफरा तफरी में, बहुत ही तेज़ी से काम करते हैं हर चीज़ में, और चीज़ें भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, तो तसल्ली से रिलैक्स होके आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा के अपने मूवमेंट्स को आहिस्ता करें, स्लो डाउन हो जाएं। तायरा समेत और हमारे देखने वाले, सुनने वाले, और मैं भी इस चीज़ का इरादा करता हूँ कि मैं जो बेहतरी ला सका हूँ अपने अंदर, मज़ीद इन 3S को शामिल जो मैंने कर चुका हूँ, आने वाले वक्त में मज़ीद इस पर इम्प्लीमेंट करूँगा, और आप भी कोशिश इस पर किया करें। इम्प्लीमेंट करेंगे। आपके कुछ पॉजिटिव चीज़ें जब आपके अंदर आती हैं तो आप कोशिश करें दूसरों को भी बताएं और उस पर अमल करें। अब चलेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ, आज के अखबारात से।